बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। ये देखिए कपड़े धुल रहे हैं यहाँ पर। और आज क्या हो रहा है भाई, जैसे कि आपको बताया हम कल गए थे मनोड़ा बीच, तो यहाँ मैं धो रही हूँ वही मनोड़ा बीच के कपड़े। लेकिन होता कुछ यूँ है कि जब हम कपड़े धोने लगते हैं ना, वैसे तो हमारे यहाँ ऑटोमेटिक मशीन है, लेकिन कुछ दिन से ऐसा हो रहा था कि पानी जो है ना वो कम आ रहा था। अच्छा, तो कपड़े जब हम धोने लगते हैं ना तो हमें सब चीज़ें गंदी लगती हैं, सारे कपड़े गंदे लगने लगते हैं। तो ये कपड़े वो हैं जो कि हम मनोड़ा बीच से लेकर आए अपने मट्टी भर के। ये कपड़े देख रहे हैं कितने सारे मट्टी वाले कपड़े हो रहे हैं, सारे कपड़े मट्टी मट्टी हो रहे हैं। देखें वहाँ से हम रेत भर कर लाए समंदर की, समंदर को अपने साथ ले आए हम लोग जो है ना सारे कपड़ों में। आप देख रहे हैं कैसे रेत रेतीले, जबकि वहाँ हम लोगों ने झाड़ लिए थे इसके बावजूद। तो पहले मैं इन सारे कपड़ों को अच्छी तरीके से जो है ना खंगालूंगी और फिर उसके बाद जो है ना इसको मैं धोऊंगी। और ये कुछ बाकी कपड़े, ये जो सारे हैं ये बाकी कपड़े, क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि पानी जो है ना हमारे यहाँ कम आ रहा था तो ऑटोमेटिक मशीन में हम लोग नहीं धो पाए। और अभी जब मैं धो रही थी तो मैंने कहा चलो ये भी धो लेती हूँ। बेडशीट भी उतार कर लिया है, ये भी ले आई। तो ये है कि हाथ के हाथ सारे धो लेती हूँ। बच्चों को मैंने घर भेजा हुआ है क्योंकि आज सैटरडे है, तो मोमिन कह रहा था कि आप ही इसको भेज दो, मम्मी याद कर रही हैं। तो दोनों बच्चे जो है ना वो चले गए। तो जी मैं अब इन कपड़ों को अच्छी तरीके से पानी से पहले जो है ना मट्टी इनकी निकालूंगी अच्छे से, फिर इसके बाद इनको धोऊंगी। तो जी कपड़े यहाँ पे धुल रहे हैं और जहाँ मैं ना खंगाल रही हूँ कपड़ों को ताकि इनकी मट्टी अच्छे से निकल जाए। अच्छा, तो जो आज मैंने टाइटल लिखा है कि शादीशुदा ज़िंदगी जो है ना वो बेहतरीन कैसे बनाई जाए, तो सबसे मेन जो मैंने अपने इन जो भी 5 से 6 सालों में सीखा है ना वो यही है कि आप जो है ना एक दूसरे की इज़्ज़त करो, चाहे बीवी हो या चाहे शौहर हो, यानी बीवी को शौहर की और शौहर को बीवी की, और सिर्फ एक दूसरे की नहीं, आपस में जितने भी लोग हैं बाकी सब की इज़्ज़त करना आनी चाहिए ना। और दूसरा ये कि आपको एक दूसरे का एहसास होना चाहिए, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ना ये मेन चीज़ें हैं, इससे जो है ना ये समझ लें जड़ है, ये रूट्स है ना मोहब्बत की। अगर ये नहीं होंगी ना तो आपकी बुनियाद ही कमज़ोर है। इज़्ज़त और एहसास और एक दूसरे के लिए ना जो एक होता है ना मकाम आपके नज़र में, तो वो बहुत ज़रूरी है। तो जो है ना इससे आपकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती है। कोई भी परेशानी हो आप पहले एक दूसरे पे भरोसा करना सीखें कि नहीं यार ये मेरा शौहर या बीवी जो भी है वो ऐसा नहीं कर सकता। तो बस यही एक बेहतरीन कपल की निशानी है। तो बस अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ दे। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है ना मुझसे ये भी पूछते हैं कि आप कैसे जो है ना अपने ससुराल में इतने अच्छे से कैसे करती हैं, कुछ क्योंकि ये सवाल भी होते हैं। तो अपनी फीलिंग्स को ना हर किसी को एक्सप्रेस करना चाहिए, मतलब ये कि आप बताओ अपने, यानी आपके जो भी इन लॉज हैं, जो अभी आपके घर वाले हैं, उनको बोलो कि आप सिर्फ हमारे लिए ससुराल वाले नहीं हो, अब आप हमारी फैमिली हो, मतलब आप मेरी माँ हो। अगर मेरे शौहर की माँ हो तो आप मेरी भी माँ हो, मैं आपसे उतनी मोहब्बत करती हूँ। आप कहने से ही नहीं करके भी दिखाओ, जितना आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हो ऐसे ही आप उनसे भी करो। तो आप देखें पूरी सब जगह सिर्फ रेत ही रेत हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे आप रेत भरने गए थे, नहाने नहीं गए थे, अपने साथ रेत भरने लेके गए थे। देखो कितनी सारी रेत हो गई, और मेरे सारे पाँव में भी किरकिर हो गई, पानी भरने लगाया है। अब बस इनको धोना है जल्दी जल्दी, और वॉशिंग मशीन के कपड़े भी धुल गए होंगे, इनको निकाल लेती हूँ। ये भी राउंड पूरा होने वाला है चक्कर, बस अब इसको निकाल लेती हूँ और जल्दी जल्दी वॉश कर लेती हूँ। मैं हमेशा बस एक ही बात कहती हूँ कि ज़िंदगी बहुत मुख्तसर सी है, इसको हंस के गुजारो, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन जो है ना अगर आप ख़ुद से खुश हो गए ना, एक स्माइल जो है वो सोच लेना आपकी तस्वीर अच्छी कर देती है। तो एक स्माइल आपके चेहरे पे आपकी ज़िंदगी भी अच्छा कर सकती है। कुछ भी परेशानी हो आप उसे कहो कि भाई आप उसे फ़ेस कर सकते हो, अल्लाह से मदद मांगो बस, और देखिएगा इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक बहुत बेहतरीन अता करता है। क्योंकि ज़ाहिर है सबकी ज़िंदगी में हर्डल्स आते हैं, यानी अप एंड डाउन सबकी ज़िंदगी में आते हैं, कभी कहीं किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा होते हैं, किसी की ज़िंदगियों में कम होते हैं, लेकिन सबकी ज़िंदगियों में अप एंड डाउन्स होते हैं। क्योंकि अगर मीठा ही मीठा रहेगा तो सोचे ना हमारा जी नहीं घबराएगा, या अगर खट्टा ही खट्टा रहेगा तब भी हमारा जो है ना जी भर जाएगा। इसलिए खट्टा मीठा अल्लाह ताला ने बैलेंस करके चलाया है, इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा लें। तो हमारी ज़िंदगी का भी कुछ हिसाब यूँ ही है कि जो है ना अल्लाह पाक हर चीज़ को बैलेंस में लेके चलता है। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी में राहतें भी लिखी होंगी, और अगर राहत
जाते हैं तो जो है ना कभी ऐसा होता है कि आप परेशानी में आते हैं, फिर उसके बाद बहुत बेहतरीन अल्लाह पाक आपको नेमुल बदल अता करता है। तो बस ये सब चीज़ें ज़िंदगी का हिस्सा है, इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो लोग मुझसे कहते हैं कि आप अपने ससुराल को अच्छे से मैनेज करती हैं, किस तरीके से मैनेज करती हैं, तो सिर्फ इंसान के अपने ऊपर होता है कि वो हालात को किस तरीके से लेके चलता है। ज़िंदगी आपकी है तो ये आपके हाथ में है कि आप इसको किस तरीके से लेकर चलें। कपड़े तो धुल गए, अब वॉशिंग मशीन धो दूँ बस। देखो सिक्का निकला, एक किसी की पॉकेट से निकला होगा सिक्का। और ये सारे कपड़े भी धुल गए इधर, और ये रेत इतनी सारी। और ये देखें, ये हमारी छत। मैंने कहा चलो लाइट्स दिखा जला के दिखाऊँ, अब मैं सारी छत का जो है ना वाइपर वगैरह लगा के फिर दिखाती हूँ। ये देखो कितनी रेत, जगह जगह पूरे उस पर सिर्फ रेती रेत हो रही है। और बस अब मैं जो है ना ये सारी रेत जो है ना साइड में करके ये धोती हूँ। चलो जी, कपड़े तो सारे धुल गए, सब कपड़े धुल गए, वॉशिंग मशीन भी साफ़ कर दी। हाथ के हाथ पानी डाल दूँ, आई हूँ तो ऊपर। और पौधों की सारी मट्टी देखो कैसे बाहर निकल रही है, पौधे खुश हो जाएंगे पानी पी के। और पता है हमारे एक एलोवेरा का पौधा कोई चोरी करके ले गया, कितनी गलत बात है, यानी पौधे भी चोरी हो जाते हैं। बाहर रखा हुआ था, उसे कोई बाहर ले गया। और ये लग रहा है मुझे ताज़ा ताज़ा गुलाब खिलाए, तो प्यारे लगते हैं गुलाब। नहीं पानी डाल दिया, सूख रहे हैं देखो, ये जल गया। धूप होती है ना, गर्मी बहुत होती है इसलिए चल गया। तो जी ये छत भी धुल गई सारी, साफ़ सुथरी नीट एंड क्लीन हो गई। और ये जो है ना कपड़े भी धुल गए, अब सिर्फ मैं इनको फैला दूंगी। वॉशिंग मशीन भी धो दी, ये सारा काम हो गया। तो ऐसा लग रहा है जैसे सर पे से पता नहीं कितना जो है ना एक अंबार था वो उतर गया, पौधों में पानी वानी सब डल गया। साफ़ सुथरा सारा छत वत पूरी नीट एंड क्लीन हो गई देखें। और जो है अब मैं ये कपड़े जो है ना वो फैलाऊंगी, वो जो स्टैंड था वो जो आप लोगों ने पूछा था उस स्टैंड पे फैलाऊंगी कुछ, और लाइट वाइट बंद करके नीचे जाऊंगी। और बच्चों को भी मैंने फ़ोन किया था और वो पूछ रहे थे कि भाई मम्मा कहाँ हैं, हसन और हुसैन तो सो गए हैं खाना वाना खाकर जो है ना अपनी अक्का के पास। तो बस अब उनको भी बुलवाऊंगी बच्चों को। और चाँद देखें इतना प्यारा लग रहा है आज, आई थिंक चाँद की पता नहीं कौन सी तारीख है लेकिन स्टार्टिंग का चाँद है। कहाँ गया तार में छुप गया पूरा, छोटा सा तार दिख, चांद कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो कपड़े फैला दिए अब मैंने सारे और पैंट्स वगैरह। अच्छा इस स्टैंड पे जो आप लोग कुछ पूछ रहे थे कि जो है ना ये आंटी ने कहाँ से लिया, तो आंटी जो है ना यहाँ दाऊद मार्ट है वहाँ से लाई थी। कितने का लाई थी ये मुझे आई गेस पता नहीं है। और साथ ही साथ जो है ना पैंट्स वगैरह मैंने वहाँ फैलाई हैं, यहाँ फैला दी मैंने, क्योंकि इस पे जो है ना हेवी कपड़े नहीं आते तो इसलिए मैंने पैंट्स वगैरह इधर डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल जहाँ तक मेरा हाथ गया मैंने इस पे डाल दिए। पौधों में पानी डल गया है तो जी चलते हैं नीचे। मैं बना रही हूँ यहाँ पे फ्रेंच टोस्ट नहीं, और ये इबाद के बनाए हैं, वो जहांगीर के बनाए हैं। और अब मैं बनाऊँगी अपने हस्बैंड के लिए, मैंने काट के रखे हैं यहाँ पर। तो जी यहाँ मैं बना रही हूँ फ्रेंच फ्राइज़, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ना ऐसी ही चीज़ें पसंद है, मतलब फ्रेंच फ्राइज़, अल्टा पल्टा, अंडा पराठा, ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। कोई इतना टफ कोई खाना उनको कोई पसंद नहीं है कि भाई तुम मेरे लिए कढ़ाइयाँ बनाओ, हांडियाँ बनाओ, ये बनाओ वो बनाओ, ऐसा नहीं, बस नॉर्मल जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना चाइल्डिश, तो इनको ये बहुत पसंद है रिफ़्रेशमेंट टाइप की ना। तो मैं इनके लिए भी यही बना रही थी, और बच्चे जो है ना अभी आए नहीं थे तो मैं इनसे कह रही थी कि आप बच्चों को जाकर ले आओ, तो कह रहे थे कि मैं अभी ये खा लूँ फिर मैं बच्चों को ले आता हूँ। और
बस जो है ना कपड़े धुल गए थे तो आसानी हो गई थी सारी। और खाना हमने ना नहीं बनाया था क्योंकि बस फ्राइज़ बनाते ही ना मैं सोच रही थी कि मैं कुछ बना लूँ, लेकिन नहीं बना पाई क्योंकि फ़ौरन से जो है ना गैस चली गई हमारी। अच्छा रात को जो है ना अब हमारी गैस जाने लगी है रोज़ाना, बहुत परेशानी होती है क्योंकि गैस नहीं होती फिर रात को लाइट भी चली जाती है, तो मुझे समझ नहीं आता हम क्या करें। अच्छा फ्राइज़ जो है ना मैं बिल्कुल सादे तरीके से बनाती हूँ, बस आलूओं को काटा, उसको हल्का सा खुश्क करा और बस उसको तेल में डाला। मैं उसमें कोई कॉर्नफ्लोर वगैरह अभी इस वक्त नहीं डाल रही, बस जल्दी से इसको बनाने वाली बात कर रही हूँ। और ये जो है ना फ्राइज़ मसाला है, असल ये इतना मज़ेदार है, 10 रुपये का साशे है, अम्मी लेकर आई थी ये 2 साशे, इसका टेस्ट इतना अच्छा है जब फ्राइज़ में डालो ना तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ओए पोटैटो के नाम से और भी दूसरे भी आते हैं तो ये बड़े मज़ेदार होते हैं, आप लोग भी कभी ट्राई कीजिएगा कि आप लोग भी मसाला डाल के खाते हैं। अच्छा मुझे सादे फ्राइज़ पसंद है और हसन को भी मेरी तरह सादे फ्राइज़ पसंद है, तो यहाँ मैं अपने हस्बैंड को, जहांगीरी बात को, सबको फ्राइज़ दे रही थी। हसन इस वक्त मुझे इतना याद आ रहा था क्योंकि वो भी जो है ना फ्राइज़ पसंद करता है, तो बस मैं अपने हस्बैंड को अब जो है ना फ्राइज़ दूंगी। और देखें ये क्या कर रहे हैं, ये मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मैं कही थी कि आप उठें भाई, उठ के फ्राइज़ लें, तो कहते हैं कि अच्छा मैं उठता हूँ। ये लेटे हुए मोबाइल यूज़ कर रहे थे जिसके ऊपर मैं मना कर रही थी कि आप मत यूज़ किया करो, तो मुझे कहते हैं मैं तुम्हारे लिए जो है ये छोले की चाट लेकर आया था, अब तुम फ्राइज़ खाओगी या छोले की चाट, तो मैंने कहा कि मैं ये खाऊँगी। तो फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करके उसके बाद जो है मैंने ये छोले की चाट खाई, तो ये बहुत ही ज़्यादा यमी है। अच्छा ये आपको याद होगी मैंने हुसैन की दफ़ा भी मैं ये खाती थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और अभी काफ़ी दिनों बाद ये मेरे लिए लेकर आए थे कि छोले की चाट खा लो, मैंने कहा जी खाती हूँ क्योंकि इसकी चाट जो है ना बड़ी मुझे अच्छी लगती है, चाट का टेस्ट ही अच्छा लगता है। अच्छा आप लोग भी बताइएगा किस किस को छोले की चाट पसंद है, और इसमें मैं काफ़ी सारा दही डलवाती हूँ ना। अच्छा मिर्चें इतनी ज़्यादा नहीं पसंद मुझे इसके अंदर, बस नॉर्मल हो मिर्चें, और बस यहाँ जो है ना क्योंकि मैंने बताया गैस नहीं थी तो मैंने ऑर्डर करके जो है ना ये खाना वगैरह मंगवा लिया था, क्योंकि अम्मी और बच्चों भी गए हुए थे, घर में कोई था भी नहीं, तो इसीलिए बनाना भी नहीं हुआ क्योंकि मैं ऊपर कपड़े धो रही थी, तो इसीलिए सबके लिए बर्गर्स वगैरह मंगवा लिए यहाँ पर। और ये है क्या कहते हैं इसको, चिकन मलाई बोटी, चिकन मलाई बोटी थी, बाकी ये सब चीज़ें थी, बिरयानी थी, और बच्चे चौकर उठे हो आप, अच्छा सोना बाबू ये लोग देख रहे हैं स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन देख रहे हो हैं, स्पाइडरमैन बनके स्पाइडरमैन देख रहे हैं। अब बच्चे सो चुके हैं और यहाँ मैं खा रही हूँ रात को फीस्ट आइसक्रीम, और ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, और गर्मियाँ हैं ना तो गर्मियों में आइसक्रीम की क्या ही बात है, स्पेशली बच्चे सो जाएं और उसके बाद आप आइसक्रीम खा रहे हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जी आप लोग बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।